नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, भारत में खूबसूरती की कमी नहीं है और यहाँ टूरिस्ट के लिए बहुत सी जगह हैं जहाँ घूमना कुछ अनोखा एक्सपीरियंस दे सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश का एक राज्य ऐसा भी है जहाँ घूमने के लिए भारतीयों को परमिट लगता है? जी हाँ, अपने देश भारत में घूमने के लिए परमिट, और ये राज्य है नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट में खूबसूरती की कमी नहीं, लेकिन बाकी राज्यों में तो आसानी से आप जा सकते हैं, पर नागालैंड के लिए परमिट लेना होता है बहुत ही जरूरी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के एक अनोखे राज्य नागालैंड के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि यहाँ घूमने जाने के लिए किस प्रकार से आपको इश्यू होगा परमिट, साथ ही कितना आएगा खर्चा, और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जिसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, साथ ही नागालैंड राज्य कैसा है, यहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, खान पान कैसा है, बोली कैसी है, क्यों यहाँ लगता है परमिट, इन सभी बातों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। दोस्तों, नागालैंड जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेने की जरूरत होती है। कोलकाता, नई दिल्ली, शिलांग, गुवाहाटी के लोगों को आसानी से परमिट मिल सकता है, क्योंकि इन जगहों पर नागालैंड हाउस है, वहां से ये परमिट इशू किया जाता है। बाकी जगहों पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद नागालैंड बॉर्डर पर ये परमिट लेना होगा। इसके लिए ज्यादा दस्तावेज नहीं लगते। ये परमिट लेने के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो और अपना आईडी प्रूफ देना होता है। इसके लिए मात्र ₹50 फीस लगनी शुरू होती है, तब जब नागालैंड हाउस से आपको परमिट मिलता है। अगर आप ऑनलाइन परमिट के लिए अप्लाई करते हैं किसी ट्रेवल एजेंट के माध्यम से तो आपको ₹500 भी देने पड़ सकते हैं, और ये परमिट 30 दिन के लिए इश्यू होता है। दोस्तों, नागालैंड राज्य में इनर लाइन परमिट का प्रावधान है। नागालैंड में दीमापुर, मुकोंगचुंग, मून विलेजेस, कोहिमा, साथ ही कई ऐसी वैलीज हैं जिन्हें देखकर आपको एक अनोखा अनुभव होगा। आपको नॉर्वे और आइसलैंड जैसे देशों की याद आ जाएगी। शिलोई लेक, जो इंसानी पैर की शक्ल में बनी है, वो पहाड़ों के बीच में है। नागालैंड टूरिज्म काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ देखने वालों की कोई कमी नहीं। बेहद ही अच्छा अनुभव और एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलता है। पर आपको अगर देखना है कुछ खास तो लेना होगा इनर लाइन परमिट। जी हाँ, ये बेस्ट ट्रेवल डेस्टिनेशन में से एक हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं नागालैंड के बारे में कुछ खास बातें। दोस्तों, नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक भारतीय राज्य है। ये 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना। ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड भारत में पूर्वोत्तर के 7 सिस्टम स्टेट्स में शुमार है और सबसे महत्वपूर्ण राज्य भी। नागालैंड नागाओं अर्थात नागा जनजाति का निवास स्थल कहलाता है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से नागालैंड बड़ा ही अनुपम प्रदेश है। इस राज्य का अधिकांश भाग पहाड़ी से घिरा है। पहले ये राज्य असम राज्य का हिस्सा था, लेकिन 1963 में ये प्रदेश भारत का 16वां राज्य बन गया। इस प्रदेश की राजधानी कोहिमा बड़ा ही अनुपम शहर है। नागालैंड के कोहिमा में स्थित कोहिमा युद्ध स्मारक दर्शनीय है। इस स्मारक के शिलालेख पर लिखा है कि जब आप घर जाएं, तो बाकी लोगों को भी अवगत कराएं कि हमने आपके कल के लिए अपना आज न्यौछावर कर दिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये लेख क्या कहना चाहता है। इस प्रदेश में अनेक सुंदर पक्षियों की प्रजाति निवास करती है। दोस्तों, इस स्थल को द फॉल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नागा लोग शिकार के बहुत शौकीन होते थे। घरों के दीवारों पर मिथुन का सींग लटका कर रखना इनका शौक होता था और ये अपनी शान भी समझते थे। 28 अगस्त 1962 में केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुआ। नागालैंड की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है, क्योंकि नागालैंड भारत के पहाड़ी राज्य में शुमार है।
यहाँ की अर्थव्यवस्था में उद्योग धंधों का कोई खास महत्व नहीं है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की राज्य सरकार ठोस कदम उठा रही है। प्रदेश की लगभग 70% आबादी की जीविका खेती है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण यहाँ के पहाड़ी ढलानों पर झूम नामक खेती होती है। इसके अलावा मक्का, बाजरा, दलहन, गन्ना और आलू, कॉफी, इलायची और चाय नागालैंड की प्रमुख फसलें हैं। नागालैंड स्टेट में मिश्रित संस्कृति देखने को मिलती है। ये प्रदेश मंगोलियन और आर्य संस्कृति का संगम भी माना जाता है। वर्तमान में इसकी भाषा, रहन सहन और वेशभूषा के द्वारा साफ स्पष्ट होता है कि नागालैंड पर पाश्चात्य संस्कृति का भी असर है। नागालैंड के लोग बहुत ही साहसी, निर्भीक और युद्ध कला में प्रवीण होते हैं। इन क्षेत्रों में पाश्चात्य संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा, फिर भी यहाँ के लोग अपनी मूल संस्कृति को नहीं भूले। नागालैंड की मूल संस्कृति वहाँ के उत्सवों, पहनावों और रहन सहन में साफ दिखाई देती है। नागालैंड में शादी कैसे होती है, ये बात भी बेहद ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि शादी के दौरान यहाँ निवास करने वाली जनजातियों के द्वारा अलग अलग तरीके की रस्में निभाई जाती हैं। इस परंपरा को निभाने के बाद ही उनके विवाह को समुदाय द्वारा मंजूरी मिलती है। नागालैंड स्टेट में पर्यटन के दौरान आपको एक से एक बढ़कर लजीज पकवान का मजा मिलेगा। नागालैंड में यहाँ के पारंपरिक भोजन का आनंद लिया जा सकता है, जो अन्य राज्यों से थोड़ा अलग होता है। नागालैंड का प्रमुख भोजन चावल, चटनी, मांस, मछली आदि हैं। कहते हैं कि नागालैंड के लोग मेंढक, सांप, घोंगे, चूहे, कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी, केकड़ा, बंदर और यहाँ तक की लाल चींटियां भी खा जाते हैं। नागालैंड का पहनावा भारत के अन्य राज्यों से बिल्कुल ही अलग है। आप यहाँ के पहनावे का चित्र देख सकते हैं। नागालैंड की महिलाएं एप्रन, स्कर्ट और शॉल धारण करती हैं। महिलाओं के द्वारा धारण किए जाने वाली स्कर्ट्स एक तरह का वस्त्र होता है। नागालैंड में पूरे वर्ष भर त्योहार और खुशी का वातावरण होता है। इस कारण भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड को त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ मनाया जाने वाला एक और प्रसिद्ध त्योहार है, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। नागालैंड में कई प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, लेकिन नागालैंड में पर्यटन के लिए IPL यानी कि इनर लाइन परमिट लेना बहुत जरूरी है। बिना परमिट के नागालैंड के एकमात्र शहर दीमापुर ही आप घूम सकते हैं और कहीं नहीं। इसी के साथ दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। हमारी ये वीडियो, हमारा ये सफर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, हमें इंतजार होगा। साथ ही क्या आप नागालैंड गए हैं या फिर आप नागालैंड घूमने जाना चाहते हैं, इस बारे में भी हमको जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।